Love knows no boundaries, and for true love, age is just a number. In case you do not agree to this, this video is for you. राजस्थान के डीप डेजर्ट जैसलमेर के पास एक गांव है कुलदारा, और उसे गार्ड करते हैं 85 साल के गेटकीपर चाचा। हमारी ऐसी कहानी नहीं, हम टीका शुद्ध कथा सुनाएंगे जी। चाचा जब 30 साल के थे, उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन लड़की मरीना से प्यार हो गया। चाचा ने उन्हें पूरा जैसलमेर घुमाया, उन्हें कैमल राइड कराया, दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मरीना को भी इनमें इतना इंटरेस्ट आया कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी इन्हें हर महीने चिट्ठी लिखती थी। हमारे चाचा प्यार में इतने बावले हो गए कि इन्होंने अपने दोस्त से 30,000 लोन लिया, वीजा कराई और पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया मरीना के पास। दोनों ने एक महीना साथ साथ गुजारा। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। चाचा ने मरीना को घूमर डांस सिखाया और मरीना ने इन्हें इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश की। मरीना हमारे चाचा से बहुत प्यार करती थी, बट वो ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ चाचा भी उसके प्यार में पागल थे, बट अपनी फैमिली को छोड़ना इनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। राजा महाराजा का टाइम था, उस समय में अभी के जैसा समय नहीं था, सच्चा समय था। सो फाइनली ये दोनों अलग हो गए। टाइम बीता और चाचा ने यहाँ जैसलमेर में शादी कर ली, बच्चे हो गए। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। बच गए सिर्फ चाचा और मरीना की मेमोरीज। चाचा रोज हर रोज मरीना के बारे में सोचते और अपने आप को तसल्ली देते कि सब कुछ खत्म हो गया है। बट दिस इज लाइफ एंड लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। मरीना का एक लेटर आया, शी सेड शी मिसेस हिम एंड शी नेवर गॉट मैरिड। वो है हीरा ऐसा। उस दिन से आज तक ये दोनों रोज फोन पर घंटों बात करते हैं, एंड समवेयर इनसाइड देयर हार्ट ये दोनों मिलना चाहते हैं। दादा ऐसे नहीं है जी। Well, this is not an ordinary love story. This story teaches us that true love is not subjected to Bollywood movies. True love can also happen on a London bridge. True love can also happen near an Eiffel Tower. True love can also happen in a garden full of tulips. And true love can also happen here, in the deep desert of Kuldara. Share this story and see you around. तो अपनी अपनी गोती के सच्चे धर्म रहते हैं। समय भी सच्चा था जी। इसकी कथा को मैं कितने समय हो गया।